लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा किया जा रहा जनता का आभार प्रदर्शन, अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल में हुआ कार्यक्रम। तामिया के भारियाढाना में सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण होने पर किया विरोध प्रदर्शन। माहेश्वरी समाज द्वारा मनाया गया महेश नवमी पर्व, अभिषेक पूजन कर निकाली गई विशाल वाहन रैली। और 14 जून को मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, जेब काटने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू आज अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल पहुंचे और अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल के विभिन्न ग्रामों में आमजनों एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका आभार प्रदर्शन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सांसद विवेक बंटी साहू ने 15 जून शनिवार को अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल के सुखारी खुर्द ढाबा, सुखारी कला, हिंगपानी, छुआदेही, छुई चंदन गांव, सहकारी चिकलीवाला और पौनार में आमजन एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर सभी का आभार जताया। इस अवसर पर उनके साथ अमरवाड़ा के पूर्व विधायक राजा कमलेश शाह व विधानसभा प्रत्याशी मोनिका मनमोहन शाह बट्टी के साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे सुखारी कला की जनता जनार्दन की आज आपके बीच में सुखारी कला में आप सबका आभार और धन्यवाद देने आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित समस्त हमारे सुखारी कला के भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता साथीगण, हमारे गांव के वरिष्ठ रूमलाल पटेल जी, गुरुदयाल जी, राहुल वर्मा जी, विश्राम वर्मा जी, गोविंद यादव जी, रविकांत वर्मा जी, महेश वर्मा जी, राम भरोज वर्मा जी, सोभा राम जी, जागीरदास जी, रघु वर्मा जी, दीनदयाल जी, संजय पटेल जी और उपस्थित मेरी यहाँ पर इस तरफ बैठी समस्त बहनों और माताओं, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 560 वोट से सुखारी कला से आपने आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा। हम लोगों ने इतिहास रच दिया छिंदवाड़ा वालों ने, और खास करके अमरवाड़ा ने तो करिश्मा कर दिया, चमत्कार कर दिया, और उस चमत्कार में सुखारी कला भी शामिल है। वैसे आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जितवाते आए हैं, आप लोगों ने हमेशा भाजपा को आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस बार की जीत हमारी ऐतिहासिक जीत है। मोदी जी मेरे को मिले थे पिपरिया में, पिपरिया में जनसभा थी, मैं गया, मोदी जी ने एक ही बात बोले थे, इतिहास बना करके आना है। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और इसी तरीके से आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। आज पहली बार आप लोग के बीच में आया हूँ आपका धन्यवाद देने, आभार व्यक्त करने, लेकिन आप लोग के बीच में हमेशा आता रहूंगा क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। और हम लोग क्या, तो सांसद का मतलब ऐसा हो गया कि सांसद मतलब राजा महाराजा शहंशाह। हमने ऐसे सांसद को देखे कि जनता को उसके कर्मचारी धक्का देकर के भगा देते। हमारे छिंदवाड़े की जनता ने सांसद से मिलने में लाठी और डंडे तक के खाए, लेकिन हमको इस परंपरा को बदलना है। मैं चाहता हूं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले की 23 लाख आबादी है और हर एक व्यक्ति अपने आप को सांसद महसूस करें, तभी हम लोग छिंदवाड़े का विकास कर सकते हैं, अमरवाड़ा का विकास कर सकते हैं। ये क्या है मतलब सांसद, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, तो अब आप भी मानिए कि हमारे छिंदवाड़े जिले की 23 लाख की आबादी और उनका सेवक बंटी साहब, आप लोग की सेवा के लिए जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, पूरे 5 साल आप लोग के बीच में आते रहूंगा, आप लोग से चर्चा करेंगे, क्षेत्र का विकास हम लोग सब लोग मिलकर के करेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज अमरवाड़ा वाले सबसे सौभाग्यशाली है कि नहीं है। अब जो कमलेश भैया ने 3 बार से विधायक बन रहे हैं, कोई जरूरत थी क्या इनको इस्तीफा देने की? अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, बढ़िया 4.5 साल विधायकी करते, लेकिन इनके मन में कसक है कि अमरवाड़ा का विकास होना चाहिए। आप लोग के मन में है कि नहीं अमरवाड़ा का विकास होना चाहिए? होना चाहिए नहीं? आप लोग बताओ, आप लोग अपने मन होना चाहिए ना, और जो अपने पास अपने हाथ में अवसर है। ये सही बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में
आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाई विवेक बंटी साहू जी को मिला और आपने दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पीछे रहा है और यह क्षेत्र 40 वर्षों से कांग्रेस को आशीर्वाद देते रहा। मैं धन्यवाद देता हूं छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन को और आप सभी को कि आपने एक सहज सरल सांसद को चुना है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासी जनजाति कल्याण के लिए और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, जनजाति विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना ला रहे हैं, वहीं तामिया ब्लॉक में भारिया जनजाति के लोगों को प्रशासन के द्वारा दिखाई जा रही उदासीनता के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला तामिया के भारिया ढाना मोहल्ले में देखने को आया है, जहां पर 300 के लगभग भारिया परिवार रहते हैं। स्थल पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिनमें न केवल गुणवत्ता को निम्न कोटि पर रखा गया है बल्कि निर्माण भी ऐसा किया गया है कि आने वाले बारिश के मौसम में पानी वहां भारिया बस्ती के घरों में भर जाएगा, जिसके चलते भारिया ढाना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर सभी ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर इस निर्माण कार्य का विरोध किया। उनका कहना है कि सड़क निर्माण मापदंडों के अनुसार ना बनने के कारण एवं कमीशनखोरी और घूसखोरी के चलते यहां के निवासियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर प्रशासन एवं स्थानीय भारिया समुदाय में टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। कोई भी जाए या फिर मिट्टी अलग करो, मिट्टी तो मशीन बुलाएं तो बुलाओ, पहले नहीं, पहले तुम उनको बुलाओ, पहले क्लियर करेंगे, प्रोग्राम बताएंगे, उसके बाद बुलाओ। रंजीत कौन है तुम्हारा? मेरा प्रोग्राम मैं तुमको क्या बताऊं? अरे वो नौकरा रहा है, तनखा ले रहा है, जैन साहब का तनखा ले रहा है, उसको बॉस है वो, तो उसको बात मानना पड़ेगा। मेरी जैन साहब से बात हुई, उन्होंने बोले हम आपको बारिश के पहले बना दिए, मेरे लोगों ने पहले बात की, फिर वो गलत होगी, फिर वो नहीं। देखिए सर, बंगाली का तो ऐसा जो अपनी आरसीसी बैंक में नहीं, उसमें तो लगे थोड़ा टाइम। आज ये हमारे तामिया का भरिया ढाना का है, यहाँ पर रोड समस्या को लेके पूरे ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जो कंपनी है उसके खिलाफ में एक धरना देने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर हमारे साथियों के सहित यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें बारिश के समय में जो नाली यहाँ बनेगी उससे घरों में नाली नहीं बनने के कारण घरों में जो पानी जाएगा उससे मकान गिरने की संभावना है। उस संभावना को देखते हुए बारिश के पूर्व इस कंपनी के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने मतलब बताया कि इसके पहले ये कार्य को पूरा करें, जिससे लोगों का मतलब मकानों में नुकसान नहीं है। सर और क्या मांगे हैं यहाँ पे? क्या यहाँ दूसरी एक मांग है कि ये हमारा जो भरिया ढाना लगभग पिछले 15-17 साल से हम बारिश में मतलब वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता था जी। तो अभी पिछले साल हम लोगों ने बोर करा के वो पाइपलाइन यहाँ पर डाली थी, क्योंकि कंपनी ने इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया तो यहाँ की दोनों तरफ की हमारी पाइपलाइन टूट गई है, जिससे हमारे ग्रामीण फिर भी आज भी पानी से वंचित हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी इसमें मतलब पाइपलाइन डाल के भी हमको दे, क्योंकि ठेकेदार इसमें पाइपलाइन डालने को तैयार पीएचई वाला नहीं है। चूँकि कंपनी के द्वारा ये क्षति की गई है तो हम ये चाहते हैं उनसे कि लगभग वो भी जो हमारी पाइपलाइन यहाँ जहाँ डैमेज हुई है वो पाइपलाइन डाले, जिससे पानी की व्यवस्था सुचारू। सर जैसे ठेकेदार द्वारा यहाँ पाइपलाइन तोड़ दी गई है रोड बनाने के चक्कर में, तो यहाँ पानी की समस्या भी बहुत जा रही है। हाँ, तो वो भी पाइपलाइन भी लगवाने के लिए। तो सर यहाँ पे उन्होंने ठेकेदार द्वारा बोला गया यहाँ पे हर संभव वो नाली बना देंगे, इस पर भी अगर ग्रामीण अगर चक्का जाम करते इसमें क्या होगा? अभी क्या स्थिति है सर यहाँ की? थैंक यू सर। महेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी पर्व पर 15 जून शनिवार को स्वर्गीय फत्यनारायण राठी स्मृति महेश्वरी भवन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महेश्वरी समाज छिंदवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार चांडक ने बताया कि महेश्वरी समाज, महेश्वरी महिला मंडल एवं महेश्वरी नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 15 जून 2024 को सुबह अभिषेक पूजन एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसका शहर के मार्गों पर स्वागत सामाजिक सदस्यों के साथ वैश्य महासम्मेलन छिंदवाड़ा, सकल दिगंबर जैन समाज, राजस्थानी ब्राह्मण समाज, गांधीगंज व्यापारी मंडल, नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू, वार्ड नंबर 17 के पार्षद बलराम साहू, गुजराती सचिव वनराज जाडेजा द्वारा किया गया,
डॉक्टर सुशील राठी, डॉक्टर पंकज भूतड़ा, डॉक्टर राहुल कोठारी एवं मानवता हॉस्पिटल में समाज के सदस्यों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। वहीं ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 45 सदस्यों ने रक्तदान किया। नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित खेलकूद की प्रतियोगिताओं में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा आयोजित किए गए। इसके साथ ही विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त सामाजिक सदस्यों एवं प्रवीण्य सूची में आने वाले छात्रों को महेश्वरी समाज द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद रैली चार फटक होते हुए वापस भवन पर समापन होगा। रैली का लकी ड्रा यहाँ निकाला जाएगा, जिसको भी मिलेगा, जो उपस्थित होगा उसको मिलेगा। इस वर्ष का एक आकर्षण जो आप सभी के सामने रैली के माध्यम से दिखेगा, ये प्रतिवर्ष श्री ललित जी महेश्वरी के सौजन्य से समाज को प्राप्त होता है। आधी रात पाषाण मंदिर सम्मेलन को धन्यवाद देते हैं और उनका आभार मानते हैं। के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस रैली को सम्मान देकर हमारा उत्साह वर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता है महेश्वरी समाज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। पंचायत छिंदवाड़ा का भी हम आभारी हैं, सकल दिगंबर जैन समाज के भी हम आभारी हैं। उसी श्रृंखला में वैश्य महान सम्मेलन ने हम पुनः महेश्वरी समाज की ओर से बहुत बहुत वैश्य सभा को धन्यवाद देते हैं। खबरों में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस की सक्रियता के चलते 14 जून को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ELC चौक और फवारा चौक पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो लोगों की जेब काटने की फिराक में थे। इसमें दो अपराधी पकड़ा है सर, किस चीज के अपराधी है? क्या है, कल दिनांक 14/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो प्रोग्राम था, जिस पर दो व्यक्ति एक ELC चौक में और एक बड़ा फुहारा में दो व्यक्ति पकड़ाए गए हैं, जो घातक हथियार भी बरामद हुए हैं, जे लोगों के जेब काटने के प्रयास में थे। पुलिस पूर्व में भी श्रीमान CM महोदय के कार्यक्रम में 8-9 लोगों को पकड़ा गया था, जेब कतरा लोगों को। इसी तारतम्य में इसी को मद्देनजर रखते हुए सिविल में स्टाफ लगाया गया था, स्टाफ द्वारा दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। छिंदवाड़ा की बेटियां अब हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। मॉडलिंग की दुनिया में भी अब जिले की लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की रूपाली सिसोदिया ने मिस इंडिया DC 2024 और छिंदवाड़ा की ही परिधि सिसोदिया ने मिस डीवा
इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। विगत दिनों देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में FW इवेंट्स एवं डिजाइनर सूफी साबरी के द्वारा आयोजित मिस इंडिया DC कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों में छिंदवाड़ा की बेटियों ने खिताब अपने नाम कर गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने उपदेशक दिव्या धुर्वे, अभिषेक बाड़बुदे और प्रतियोगिता के निर्देशक एवं निर्माता सूफी साबरी के साथ परिवारजनों को दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपाली सिसोदिया है और मैंने अभी अभी रिसेंटली एक शो जीता है मिस इंडिया DC का, जो देहरादून में हुआ था। एंड मैं फर्स्ट हूँ वहाँ पे। सो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कहीं भी फर्स्ट आ सकते हो और आप विन कर सकते हो हर चीज़। थैंक यू। मेरा नाम परिधि सिसोदिया है और मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मैं सेकेंड ईयर BA की स्टूडेंट हूँ। मैंने जो शो विन करा है वो देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड में। वहाँ पे मैं मिस दीवा इंडिया 2024 बनी हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस लेवल का कंपटीशन? ये इंडिया लेवल का कंपटीशन था, बहुत बड़ा कंपटीशन था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट करा, मेल फीमेल दोनों ने। बहुत अच्छा हुआ था। मध्य प्रदेश से हम 3 लोग गए थे। छिंदवाड़ा की थी क्या? अलग अलग छिंदवाड़ा की पूरे MP में छिंदवाड़ा से 3 लोग जी। और भविष्य में क्या है आपकी प्लानिंग? मैं ऐसा सोचती हूँ कि मॉडलिंग बहुत अच्छी फील्ड है और मॉडलिंग से हम बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या धुर्वे है। मैं मिस इंडिया DC 2022 हूँ। हम लोगों का अभी शो था देहरादून में उत्तराखंड, जहाँ पे नेशनल लेवल का ये कंपटीशन था, जहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे कंटेस्टेंट आए थे और सभी बहुत अच्छे थे, जहाँ मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों ने। हमारे साथ गए थे 3 कंटेस्टेंट और तीनों ही वहाँ से जीत के आए हैं और उन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। मेरा स्टूडियो छिंदवाड़ा में ही है। मैं लोगों को मैं उन सभी की मदद करती हूँ और हम लोग साथ ही में उनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं। मॉडलिंग 14 जून की शाम स्थानीय मानस भवन छोटी बाजार में भारतीय स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण श्रमिक उपस्थित हुए। साथ ही स्वर्णकार समाज के सामाजिक बंधु एवं समाज के अध्यक्ष हरिओम सोनी, समाज के संरक्षक गण नारायण प्रसाद सोनी, ओमकार प्रसाद सोनी, थान सिंह सोनी, कृष्ण गोपाल सोनी, युधिष्ठिर सोनी, सुरेश सोनी, हरिप्रसाद सोनी, किशोर सोनी, राजेश सोनी, पार्षद श्रीमती किरण सोनी, राम कुमार भारद्वाज, किशन सोनी, प्रवीण भारद्वाज की उपस्थिति में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष सत्यदीप सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय सोनी, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी, ओम सोनी, अमित सोनी, महामंत्री जितेंद्र सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। यह संगठन स्वर्ण रजत आभूषण श्रमिक के उत्थान के लिए कार्य करेगा एवं श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर कर श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रयासरत रहेगा। मैं संघ की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भारतीय स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण श्रमिक संघ के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं संघ की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। भारतीय स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण श्रमिक संघ, जिसकी हमने कल्पना पिछले 11 महीने पहले की थी, वह मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत हो चुका है, जिसमें जो निम्न स्तर के कारीगर हैं या जो छोटे कारीगर हैं उनको उसका लाभ मिल सके, उनका उत्थान हो सके। इसी कल्पना और इसी विश्वास के साथ हमने कारीगरों के साथ मिलकर इस संघ का निर्माण किया है और इसका पूरा लाभ उन्हें मिलेगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम है सत्यजीत सोनी और सभी कारीगरों के सहसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना गया है और आगे चलकर यह जो संघ है यह मध्य प्रदेश स्तर का हो जाएगा और इसका संपूर्ण लाभ और मध्य प्रदेश स्वर्णकला बोर्ड का जो गठन हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में ये पहला संघ है इसका निर्माण हुआ है, वह आगे छिंदवाड़ा जिले तक सीमित न रहकर
आज पूरे 52 जिलों में इसका प्रचार और प्रसार किया जाए। मैं जितेंद्र सोनी, भारतीय स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण श्रमिक संघ का महामंत्री, मैं आपके सभी के सामने सक्षम प्रस्तुत हुआ हूँ। इसी कार्यक्रम में जो सरकारी योजनाओं के लाभ हम श्रमिक समाज को मिलना चाहिए, हम उसके लिए तत्पर हैं। अभी तत्काल की दशा में हमें उद्योगों में भी जोड़ लिया गया है, जिसमें हमें श्रमिकों को लोन की व्यवस्था भी मिल जाएगी। हम श्रम विभाग से भी निवेदन करेंगे कि वे सभी कारीगर यूनियन के सदस्यों का श्रमिक कार्ड बनाएं, ताकि उन्हें योजना का लाभ तत्परता से मिले। धन्यवाद। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा किया जा रहा जनता का आभार प्रदर्शन, अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल में हुआ कार्यक्रम। तामिया के भारिया ढाना में सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण होने पर किया विरोध प्रदर्शन। माहेश्वरी समाज द्वारा मनाया गया महेश नवमी पर्व, अभिषेक पूजन कर निकाली गई विशाल वाहन रैली। और 14 जून को मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, जेब काटने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।